आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है वह स्पेशल टॉपिक, जिसको आप या हम एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से आप देखते भी हैं, जिसको हालांकि देख रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी बेसिक जो चीज़ें भी हैं वो हम आपके सामने एक्सप्लेन कर दें। आप देख रहे हैं कि इस व्हाइट बोर्ड पर कुछ बेसिक आपको एक चार्ट दिया गया भी है, जिसमें आप देख रहे हैं ग्लैंड बेसिकली चार तरह की ग्लैंड होती भी है, जिससे कुछ न कुछ हमारे बॉडी के अंदर, चाहे वह एंजाइम के फॉर्म में हो, चाहे हार्मोन्स के फॉर्म में हो, चाहे किसी की फॉर्म में हो, कुछ न कुछ चीज़ें आपको रिलीज होती हैं। तो आप देख रहे हैं ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन, पैराक्राइन और हेट्रोक्राइन। जो हम लोग का जो टॉपिक आज का है वो एंडोक्राइन है, जो कि आप सब लोग जानते हैं। इससे बेसिकली आपको हार्मोन रिलीज होते हैं, इसलिए हम या आप इसको हार्मोन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता भी है। और नॉर्मल इन सेंस जो इंडोक्राइन आपको होता भी है वह डक्टलेस आपको होता भी, विदाउट डक्ट के केस में आपको है। और आप देख रहे हैं जितने भी ग्लैंड हैं सबके लास्ट में क्राइन लगा हुआ भी है, और क्राइन जो क्रेनियम से बना हुआ भी है, और क्रेनियम जो होता है ब्रेन के ऊपर की जो हार्ड कवरिंग होती है उसी को ही हम यहाँ बोलते भी हैं। ऑटोक्राइन जो आप होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः होता है, जहाँ होता भी है उसका एक्शन सिर्फ उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही होता भी है, जिसमें सेलेबरी ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड आपको आइडेंटिफाई होता भी है। पैराक्राइन या टिश्यू हार्मोन या लोकल हार्मोन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, प्रायर जितने गुरेडियल हार्मोन्स होते हैं उसमें भी आपको पता होगा कि जितने हार्मोन्स होते हैं जहां बनते हैं उनका एक्शन काफ़ी दूर या पूरी बॉडी आपको सफ़र करती है, लेकिन जितने टिश्यू हार्मोन या लोकल हार्मोन होते भी हैं ये जहां बनते हैं उनका एक्शन सिर्फ उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है, इसीलिए इसको हम या लोकल हार्मोन के नाम से आप जानते हैं। और इसको सबसे पहली बार प्रोस्टेट ग्लैंड में आइडेंटिफाई किया गया था, जिसके अंतर्गत एक पर्टिकुलर केमिकल जिसका नाम प्रोस्टेरोनिक एसिड है और उसी के आधार पर इसका नाम पड़ गया प्रोस्टाग्लैंडिंस। और इसके अंतर्गत एक पर्टिकुलर दूसरा केमिकल है जिसको हम आप फेरोमोन्स बोलते हैं, फेरोमोन को हम आप क्रिप्टो हार्मोन के नाम से भी आपको जान सकते भी हैं। और लास्ट में आप देख रहे हैं हेट्रोक्राइन है, जिसमें एक्जोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों पार्ट आता है, और इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आपके सामने हुआ है पैंक्रियाज। आपको पता होगा पैंक्रियाज में 80-90% जो भाग होता है वह एक्जोक्राइन का होता है, और एक्जोक्राइन डक्ट के साथ होती भी है, और एक्जोक्राइन वाले पोर्शन से बेसिकली एंजाइम निकलते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को डाइज करने वाले जो एंजाइम निकलते हैं वो एक्जोक्राइन वाले पार्ट्स निकलते हैं। और इंडोक्राइन जो पार्ट जो पैंक्रियाज में होता भी है वो 1-5% आउट होता है, जिसको हम या आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, जिसमें स्पेशलाइज्ड हार्मोन निकलते हैं, जिसमें आप नाम सुना होगा इंसुलिन और ग्लूकागॉन। जो ग्लूकागॉन होता है वो बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, इसलिए उसको हम या हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर के नाम से आप जानते भी हैं। वहीं पर जो इंसुलिन होता भी है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, इसलिए उसको हम या हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर के नाम से आप जानते भी हैं। एक तरह से एक हार्मोन दूसरे हार्मोन के जस्ट अगेंस्ट काम कर रहा है, इसलिए हार्मोन की एक नई क्वालिटी आ गई, इसको हम या एंटागोनिस्टिक हार्मोन या आप कह सकते हैं फीडबैक हार्मोन के नाम से आप जानते हैं। बहुत से ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं, जिसको हम या साइनर्जिस्टिक हार्मोन के नाम से आप जानते हैं। जैसे FSH और LH, ये दोनों हार्मोन जब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तब मेल या फीमेल में सेकेंडरी आपको फीमेल हार्मोन या मेल हार्मोन का फॉर्मेशन आपको होता है। कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसे हार्मोन होते भी हैं जो निकलते हैं और निकल करके किसी इंडोक्राइन ग्लैंड या हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं। हार्मोन की इस तरह की प्रॉपर्टी को हम या ट्रॉपिक हार्मोन के नाम से आप जानते हैं, जैसे ACTH एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जो पिट्यूटरी के एंटीरियर वाले पार्ट्स निकलता है और जा करके एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता भी है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म रख दें STH या TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब ट्रॉपिक हार्मोन के कॉमन एग्जांपल हैं। अब आप देख रहे हैं अगर हम पर्टिकुलर अपने टॉपिक पर आए जिसको हम लोग हार्मोन के बारे में, आप सब लोग जानते हैं हार्मोन शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल एक पर्टिकुलर वैज्ञानिक है जिनका नाम स्टार्लिंग है, उन्होंने किया था। हार्मोन जो होते हैं वो अलग अलग केमिकल नेचर के होते हैं, हार्मोन प्रोटीन हो सकते हैं, हार्मोन एमाइंस हो सकते हैं, स्टेरॉइड हो सकते हैं। जब अलग अलग केमिकल नेचर के होंगे इसीलिए इसको हम या केमिकल मैसेंजर के नाम से भी आपको जानते भी हैं। और हार्मोन जो होते हैं वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एज में आपकी बॉडी में काफ़ी टॉप पर होते हैं, इसलिए इसको हम या ऑटोक्वाइट के नाम से भी आपको जाना भी जाता भी है। अब आप देख रहे हैं कि बेसिकली हमारे पूरे बॉडी में आपको 8 ऐसे पार्ट हैं, ग्लैंड है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड या हार्मोन की पूरी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, जिनका सिर्फ काम ही होता है हार्मोन को रिलीज करना,
इसीलिए उनको प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से इंडिकेट किया गया है। लेकिन वहीं पे दूसरा आप देख रहे हैं सेकेंडरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। सेकेंडरी का मतलब होता है इनके पास अपना खुद का काम तो होता है, उसके साथ साथ कुछ स्पेशलाइज हार्मोन को भी रिलीज करते हैं। उनकी संख्या हमारे बॉडी में टोटल 4 है, जिसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसको हम कहने के गट के नाम से भी आप जान सकते हैं। दूसरा देख रहे हैं लीवर, किडनी और हार्ट। हालांकि आपके सामने किडनी से निकलने वाले हार्मोन, इसका नाम रेनिन और एरिथ्रोपोएटिन, और एरिथ्रोपोएटिन मतलब सीधे आरबीसी। इसका फंक्शन तब होता है जब कभी कोई लोग पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते भी हैं, उस समय हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होने लगता है, उसको किडनी से निकलने वाला यही हार्मोन जो होता है वो मेंटेन करता है। दूसरा आप देखें रेनिन, इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंतर्गत आपको कह सकते हैं कि एल्टोस्टेरोन हार्मोन मेंटेन होता है, जिससे साल्ट या यूरिन का पूरी प्रॉपर्टी आपको आइडेंटिफाई होती है। हार्ट में देखना है एएनएफ है, एटीएल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, जो कि हार्ट से निकलता है और जाकर के ये भी एडनल कॉर्टेक्स वाले पोर्शन की वजह से हमारे बॉडी में यूरिन के वॉल्यूम को बैलेंस करता है। एक्चुअल में आप देख रहे हैं जो आठ हमारे सामने प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसमें पिट्यूटरी है, पिनियल बॉडी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पैंक्रियाज है, एड्रेनल और गोनेड, इनके सबके अपने अलग अलग उपनाम है। आप देख रहे हैं पिट्यूटरी, जिसको हम या हाइपोथैलेमस बोलते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के हिसाब से इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है सब पर कमांड होता है, इसलिए इसको हम या मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और पूरी जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, इस सभी एंडोक्राइन ग्लैंड पर ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, इसीलिए हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर एंडोक्राइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो कमांड है पिट्यूटरी पर होता है, और जो ऑलरेडी आपको दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पर कमांड करती हो और उसके ऊपर कोई और कमांड करता हो, इसलिए हाइपोथैलेमस को हम या सुपर मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से आप जानते भी हैं। पिट्यूटरी जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज के हिसाब से काफी छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसलिए इसको हम या स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी आप इंडिकेट करते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं पिनियल बॉडी। पिनियल बॉडी आज की डेट में कह सकते हैं हमारे बॉडी में अजय वेस्टिजियल है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली माना जाता भी है कि बेसिकली हमारे बॉडी के अंतर्गत क्या सेक्स हार्मोन और बेसिकली आपकी मेमोरी दोनों में से एक ही चीज आपको आइडेंटिफाई हो सकती है, और यह पिनियल बॉडी की वजह से हमारे बॉडी के केस में बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन होती है, और बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन होने की वजह से आपको एक पर्टिकुलर समय, जैसे अगर मुर्गा बोल रहा है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, वो क्यों बोलता है, टाइम को जानकारी कैसे मिलती है ऑन बेसिस ऑफ पिनियल बॉडी, जिसको जूलॉजी में बायोलॉजी में उसको हम आप बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से आप जानते भी हैं। थायराइड देख रहे हैं सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको बटरफ्लाई एंडोक्राइन ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप के नाम जानते भी हैं। थायराइड का जो मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी के अंतर्गत BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस किया जाता है, इसीलिए इसको हम आप मेटाबॉलिक एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता भी है। इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, उसमें आयोडीन पाया जाता भी है। पैराथायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड, पैराथायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर होती है, और यह पेड फॉर्म होती है। इसका जो मेन फंक्शन होता है हम लोगों की बॉडी के अंतर्गत वह स्केलेटन बोन को मेंटेन करना, इसी वजह से हमारे शरीर में टिटैनी की प्रॉब्लम हो सकती है। थाइमस आप देख रहे हैं, थाइमस एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं इम्यून ग्लैंड, और कहीं कहीं एजिंग के लिए ये एंडोक्राइन ग्लैंड आपको रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आप देखते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज अभी हमें स्टूडियो में बताया था कि आपको हेटोक्राइन ग्लैंड बोलते भी हैं, और क्यों बोला जाता भी है, उसके पीछे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट आपको आइडेंटिफाई है, जो ये पार्ट को डिफाइन करते समय हमने आपके समय रखा था। उसके बाद आप देख रहे हैं एड्रेनल ग्लैंड, जिसको हम या फोरियस ग्लैंड, थ्रीएफ एंडोक्राइन ग्लैंड और स्ट्रेस ग्लैंड के नाम से जाना जाता भी है, और इसी यही एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसकी वजह से फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी जिनको बोलते हैं थॉमस एडिसन पैरावैज्ञानिक थे, जिन्होंने एंडोक्राइन ग्लैंड से या हार्मोन से निकलने वाली बीमारी को दुनिया के सामने रखा था, इसीलिए थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से आप या एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से आप जानते भी हैं। उसमें भी आपकी जानकारी होनी चाहिए, जो नवजात बच्चे होते हैं एड्रेनल ग्लैंड में दो पार्ट होता है, मैक्सिमम जो पार्ट होता है वह एड्रेनल कॉर्टेक्स का होता है, और कुछ पार्ट आपको 10% तक जो होता भी है वह मेडुला का होता है। जो नवजात बच्चे होते हैं उनके पास मेडुला वाला पोर्शन आपको नहीं होता है, और जब नहीं होता है तो उसी एड्रेनल मेडुला वाले पोर्शन से इमरजेंसी हार्मोन निकलते हैं, जिसको एड्रेनिन। लास्ट में आप देख रहे हैं गोनेड है, जिसमें आप समझ रहे हैं कि टेस्टिस और ओवरीज के पोर्शन आते हैं, और इससे निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं उनका जो स्वभाव होता है वो आपको सीधे सीधे इस ट्रायड की पूरी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं।
और अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था इस पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड पर आपको हाइपोथैलेमस का कमांड होता है, और किसी भी हार्मोन के में अगर इनहिबिटरी और रेगुलेटरी शब्द अगर आ जाए तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि बेसिकली उस हार्मोन पर आपको हाइपोथैलेमस का कमांड है, जैसे ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। तो जहां पर रिलीजिंग और इनहिबिटरी शब्द लग जाए तुरंत समझ लीजिएगा कि बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस का कंट्रोल। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है, उनका क्या नाम है, वो आपको फॉलो किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी एंडोक्राइन ग्लैंड के अलग से डिटेल में कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उनकी अपनी क्या आइडेंटिटी होती है, उस सभी के बारे में आप लोगों को नोटिस कराया जाएगा।